स्वास्थ्य के लिए दूध का सेवन बहुत जरूरी है और इसीलिए आज हम आपको बताएंगे कि बकरी के दूध में क्या क्या गुण होते हैं। बकरी का दूध पोषक तत्वों के साथ साथ औषधीय गुणों से भी भरपूर और आसानी से पचाने योग्य वसा और प्रोटीन युक्त है, जो किसी भी व्यक्ति के अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। बकरी एक बहुउद्देशीय पशु है। इसका उपयोग न सिर्फ दूध डेयरी बल्कि मीट, खाल और खाद के लिए भी किया जाता है। लागत कम होने से आजीविका के विकल्प भी बढ़ जाते हैं और बकरी कई रूपों में काफी फायदेमंद भी होती है। आज हम बात करेंगे गोट फार्मिंग उद्योग के विषय में। गोट फार्मिंग उद्योग में स्वस्थ बकरियों का उत्पादन और बिक्री की जाती है। गोट फार्मिंग बिजनेस कर अच्छी कमाई की जा सकती है। बकरी का आकार छोटा होने के कारण इसके रखरखाव, चारे आदि की व्यवस्था आसानी से हो जाती है और खर्च भी कम होता है। पुरुष और महिलाएं दोनों इस उद्योग में सफल हैं। ये व्यवसाय बहुत तेजी से फैलता है, इसलिए ये व्यवसाय कम समय और लागत में अधिक मुनाफा देने वाला है। इनके लिए बाजार स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध है। लोग शुद्ध नस्ल की बकरियां अधिकतर गोट फार्म से ही लेना पसंद करते हैं, क्योंकि यहां बकरियां पूरे रिकॉर्ड और टीकाकरण के साथ मिलती हैं। इसके साथ बकरियों से और भी बहुत सी उपयोगी चीजें प्राप्त होती हैं, जैसे मांस। आजकल बकरी के मांस की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी मांग है। विश्व स्तर पर कुल उपभोग होने वाले मांस का बड़ा भाग बकरी का होता है। दूध। बकरी का दूध कई आवश्यक पोषक तत्वों और औषधीय गुणों से समृद्ध होता है और आसानी से पचने योग्य होता है। स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी भारी मांग है। बकरी का दूध सभी प्रकार के डेयरी उत्पादों को बनाने के लिए भी बहुत उपयुक्त है। यदि आप अपने निकटतम बाजार में बकरी के दूध को आसानी से बेचना चाहते हैं, तो आपको कुछ विशेष दूध उत्पादन करने वाली बकरियों का चयन करना होगा, जैसे जमुनापारी, टोगेनबर्ग, एंग्लो न्यूबियन, सेनेन अल्पाइन इत्यादि। फाइबर। यदि आप फाइबर का उत्पादन करना चाहते हैं, तो कश्मीरी और अंगोरा नस्ल की बकरी बहुत उपयोगी होगी। त्वचा। सभी नस्लों की बकरियों की त्वचा का उत्पादन किया जाता है, लेकिन उनमें से कुछ व्यापार के उद्देश्य से उच्च गुणवत्ता वाली त्वचा की होती हैं, जैसे ब्लैक बंगाल बकरी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी त्वचा की उच्च मांग और मूल्य है। खाद। खेती में पशुपालन एक महत्वपूर्ण अवयव के रूप में हमेशा से उपयोगी रहा है। खेती और पशु दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। कुछ किसान अपनी फसलों के लिए बकरी की विष्ठा का खाद के रूप में उपयोग करते हैं। ये एक बहुत ही उच्च गुणवत्ता वाली कार्बनिक उर्वरक है। आप बकरी की विष्ठा को खाद के रूप में बेचकर और अतिरिक्त पैसे कमा सकते हैं। अच्छे गोट फार्मिंग बिजनेस के लिए जरूरी है चारा। गोट फार्मिंग उद्योग में सबसे आवश्यक है बकरियों को अच्छा और पोषक चारा दिया जाए। बकरी रूमिनेंट्स यानी जुगाली पशु हैं। ये लगभग सभी प्रकार का सूखा और हरा चारा, जैसे मक्का, गेहूं और चावल की भूसी और पत्तियां आदि खाती है। इन्हें सूखा और हरा चारा मिलाकर भी दे सकते हैं। इसके लिए भीगे हुए भूसे में मक्का, चोकर, मटर और दालों का छिलका, चना, थोड़ा नमक, बरसीन, कैल्शियम और सप्लीमेंट को परत दर परत अच्छे से मिलाते हैं और फिर तैयार चारे को बकरियों को खाने के लिए दे सकते हैं। और यदि आपके पास एक चराई जगह हो जहां आपकी बकरियां स्वतंत्र रूप से घूम सकती हो, तो बकरी को प्राकृतिक स्रोतों से भोजन भी मिलेगा और इससे आपकी खाद्य लागत भी कम हो जाएगी। नस्लें। गोट फार्मिंग के लिए कई नस्ल की बकरियां, जैसे बर्बरी, जमुनापारी एवं ब्लैक बंगाल, तोतापरी, सिरोही इत्यादि उपयोगी होती हैं। हमारे यहाँ बर्बरी हो गई, सिरोही है, अजमेरी है, जमुनापारी किस्म की बकरियां पाई जाती हैं। इन सभी नस्लों की बकरियों की अलग अलग खासियत होती है। इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इस उद्योग को लगाने से लेकर चलाने तक में आपका पूरा साथ देता है। IID के वर्चुअल मेंबर बनकर आप सभी प्रकार की इंडस्ट्रीज की कंप्लीट इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री,
एक्सपर्ट एपिसोड्स, बैंकेबल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, प्लांट मशीनरी की जानकारी और वेरियस इंडस्ट्रीज पर वीकली लाइव वर्कशॉप लिंक्स प्राप्त कर सकते हैं। इस उद्योग को शुरू करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और साथ ही अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल और लिंक्स के थ्रू हमसे संपर्क कर सकते हैं। ऐसे ही और बिजनेस आइडियाज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।